मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले के बीच एक और मामला सामने आया, जहां 2023 में दिए गए नर्सिंग एग्जाम का परिणाम अब तक नहीं आया। इसको लेकर बच्चों का कहना है कि एग्जाम 2022 में होना था, लेकिन पहले ही लेट कर दिया गया है। वहीं अब तक परिणाम भी नहीं आए हैं। उन्होंने सीएम से गुहार लगाते हुए कहा कि हमारे भविष्य का तो सोचिए, हम कब कॉलेज में दाखिल लेंगे तब और कब नर्स बनेंगे। मामला ये है कि हम लोगों ने MPPNST एग्जाम दिया था, जो 2022 का एग्जाम था, 2023 में हुआ था, पर उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ये बोला गया है कि नर्सिंग में प्रवेश परीक्षा के लिए राज्य स्तर पर परीक्षा ली जाए, रिजल्ट जारी किए बिना ही उनका ये आदेश है नया एग्जाम कराया जाए, और हमारे रिजल्ट का कोई जिक्र नहीं किया गया। नर्सिंग कॉलेज विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए PNST का एग्जाम लिया जाता है व्यापम के द्वारा, तो उसकी परीक्षा 2022 की परीक्षा 2023 जुलाई में हुआ है, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और लड़कियों को सर ज़्यादा मौका नहीं दिया जाता इसलिए, और ओवर एज भी हो जाएगी, इसलिए हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि हमारे रिजल्ट के लिए जल्द से जल्द आदेश दिया जाए और हमारा रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, जिससे देखिए मध्य प्रदेश में एक बड़ा नर्सिंग फर्जीवाड़ा तो हुआ ही, साथ ही लाखों छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन अब ये जो बच्चे हैं, ये जो छात्र-छात्राएं आए थे, इनका ये मामला है कि इन्होंने प्रवेश परीक्षा के लिए व्यापम के माध्यम से जुलाई 2023 में परीक्षा दी थी, लेकिन उसका परीक्षा परिणाम अभी तक नहीं आया। आखिर इन छात्र-छात्राओं का क्या कसूर है? नर्सिंग फर्जीवाड़ा करने वाले, नर्सिंग घोटाला करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे, लेकिन छात्राओं के परीक्षा परिणाम पर रोक है, जिससे कि हमने मांग की है मुख्यमंत्री महोदय से कि तत्काल निर्देशित करें व्यापम के माध्यम से जो परीक्षा करवाई गई थी उसका परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी हो।